वैसे तो पटना के एसएसपी मनु महाराज अक्सर बधाई के पात्र बने रहते हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी और लगातार मामलों के खुलासे के लिए जाने जाने वाले एसएसपी को एक बार फिर बधाई मिली है और ये बधाई बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। छात्रों से पैसे मांगने वाले गिरोह का खुलासा, नंबर बढ़ाने के नाम पर मांगे थे पैसे, एसएसपी मनु महाराज ने किया खुलासा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने एसएसपी को दी बधाई। पटना के सिंघम मनु महाराज ने बोर्ड के छात्रों को फोन कर नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग बोर्ड की इंटर परीक्षा और मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्रों को फोन कर नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसों की डिमांड करते थे। मनु महाराज ने इस गिरोह के सरगना चंदन कुमार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, कोतवाली थाना अंतर्गत केस दर्ज हुआ तो एक पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है, जो कि कतरीसराय नालंदा और शेखपुरा के तीन जिला के में शेखपुरा के तीन गांव में काम करता है, पाची, कबीरपुर और रहीचा, जो कि शेखोपुर सराय थाना अंतर्गत पड़ता है। ये जो पूरे के पूरे गांव हैं, ये पूरे इस फर्जीवाड़ा में संलिप्त है। वहां पे एक पूरे कारोबार के रूप में काम कर रहा है, वहां डिफरेंट टाइप के हब्स इसमें बने हुए हैं। कई लोग पेड़ के नीचे बैठ के अपनी टीम बना लेते हैं और चाय की दुकान पर बैठ के अपनी टीम बना लेते हैं, डिफरेंट मोबाइल्स ले लेते हैं और लोगों को कॉल करते हैं कि आपका जो है आप इसमें फेल हो रहे हो, आप अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी शेखपुरा थाने के रहीचा गांव से हुई है। इनके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस गिरोह के तार शेखपुरा जिले की सराय और कतरी सराय से जुड़े हैं। इनके पास से बिहार सहित अन्य कई राज्यों के उपभोक्ताओं की डिटेल्स भी बरामद हुई है। इस तरह से फर्जी बड़ा पूरे इंडिया के कई स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि अन्य कई स्टेट्स में। इसमें मुख्य बात यह है कि ये डाटा कहाँ से आता है इनके पास। यही अप्रीहेंशन काफ़ी टाइम से चल रही थी कि इंटरमीडिएट का जो डाटा है वो लीक हो गया है, तो इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं। ये कोचिंग सेंटर्स पे कई स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं कि आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको आप अपना पूरा नाम नंबर जो है इसमें एक डाटा में फीड करते हैं। ये गिरोह बोर्ड की परीक्षाओं में अंक बढ़वाने के साथ साथ ही सोशल मार्केटिंग साइट्स के नाम पर भी उगाही करता था। ये गिरोह मार्केटिंग कंपनी नापतौल, होम शॉप, महंगी गाड़ियों का प्रलोभन का भी इस्तेमाल करते थे। कई माध्यमों से ये आंकड़ों का आकलन किया करते थे। इस गैंग के पर्दाफाश करने और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने SSP मनु महाराज को बधाई दी है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।